गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर फ्रॉम द मैथ्स वर्क बुक, चैप्टर नंबर 4, टिक टिक टिक। ओके, टाइमिंग का हमने इस चैप्टर में सीखा था, एंगल्स सीखे थे, राइट। सो टुडे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। व्हाट इज द करेक्ट टाइम एज शोन इन द क्लॉक, पुट अराउंड द टाइम। ओके, क्लॉक में क्या टाइम शो हो रहा है वो आपको यहाँ पे तीन नंबर्स दिए गए हैं, तीन टाइमिंग दी गई हैं, उसमें जिसमें से कौन सा राइट है वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आर एंड, आर एंड मतलब जो जो छोटा एंड होता है, छोटी सुई होती है, उसको आर एंड बोलेंगे, ठीक है। यानी कि वो किस पे है, 3 पे। तो सबसे पहला जो टाइम लिखा जाता है वो आर एंड का लिखा जाता है। तो ये किस पे है, 3 पे, लेकिन इस पे तो, और इस पे क्या दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है। तो ये 3 वाला राइट है एंड 12 पे है, मिनट है, ठीक है। जो बिगेस्ट हैंड होता है वो होता है मिनट हैंड का, 12 पे है यानी कि 00, ठीक है। तो क्या टाइमिंग हो रहा है, 3 o'clock हो रहा है। नेक्स्ट आर एंड किसके बाद है, इसके पहले नहीं देखने का, किसके नंबर के बाद है, 5 नंबर के बाद है, राइट। यानी कि आर एंड पे क्या आएगा, 5 आएगा इन दोनों में से। फिर मिनट हैंड किस पे है, 7 पे। तो 5 का टेबल 7 टाइम्स बोलने का, तो 5 7 35, यानी कि 5 o'clock होके 35 मिनट्स हो रहे हैं, यानी कि दिस वन इज राइट। नेक्स्ट आर एंड किसके बाद है, 7 के बाद है, यानी कि 7, यानी कि इन दोनों में से कोई राइट है। अब मिनट हैंड किस पे है, 3 पे। तो 5 का टेबल 3 टाइम्स बोलेंगे, 5 3 15, यानी कि 7 o'clock होके 15 मिनट्स हो रही है। नेक्स्ट आवर एंड किसके बाद है, कौन से नंबर के बाद है, 7 के बाद है, यानी कि आवर एंड में क्या बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, इन दोनों में से कोई राइट है। अब मिनट हैंड देखेंगे, मिनट हैंड किस पे है, 2 पे है। तो 5 का टेबल 2 टाइम्स, 5 2 10, यानी कि 7 o'clock होके 10 मिनट्स हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 4 के बाद है आवर एंड, ओके, यानी कि 4 एंड बिगेस्ट किस पे है, 25 पे है। तो 5 का टेबल 5 टाइम, 5 5 25, इट मीन्स 4 o'clock होके 25 मिनट्स हो रही है। नेक्स्ट आवर एंड किसके बाद है, 10 के बाद है एंड बिगेस्ट सुई किस पे है, 9 पे। तो 5 9 45, यानी कि 10 o'clock होके 45 मिनट्स हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द आवर एंड एंड मिनट हैंड इन द फॉलोइंग क्लॉक, डायल एज पर द टाइम मैंशन फॉर ईच। अब आपको यहाँ पे टाइम बताना है। ओके, 3 o'clock होके 10 मिनट हो रही है, 10 मिनट हो रही है 3 o'clock होके, यानी कि मिनट आर एंड होगा 3 से थोड़ा सा आगे एंड मिनट एंड होगा 10 है। तो 5 का टेबल से डिवाइड करो, कब आता है, 5 2 में आता है, यानी कि मिनट हैंड किस पे हम शो करेंगे, 2 पे। ओके, नाउ नेक्स्ट 6 o'clock होके 40 मिनट्स हो रही है, 6 यानी कि मिनट आर एंड किसके बाद आएगा, 6 के बाद आएगा। तो यहाँ पे हम शो करेंगे आर एंड, ठीक है, एंड मिनट हैंड किस पे आएगा, 5 के टेबल से 40 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 5 8 40, यानी कि मिनट हैंड किस पे आएगा, 8 पे आएगा। ओके, इस तरीके से शो करना है। नेक्स्ट है 4 o'clock होके 45 मिनट्स हो रहे हैं, यानी कि आर एंड किस पे आएगा, 4 पे, 4 के बाद आएगा, ठीक है। 45 हो रही है, यानी कि 5 के थोड़े से पहले, और 45, 5 9 45 होता है, तो 9 पे हम बिगेस्ट सुई को मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अगर 30 से पहले होता है, तो यानी कि 4 एंड 5 के बीच, 4 की तरफ होती है सुई, 30 के बाद कोई मिनट्स होती है, यानी कि 5 की तरफ ज़्यादा होती है आर एंड, ठीक है। 30 मिनट्स होती है तो बिगेस्ट सुई किस पे होती है, 6 पे होती है, और आर एंड जो होती है वो दो नंबरों के बीच में आती है, ठीक है। अब 30 से पहले यानी कि 29 28 कुछ मिनट्स हो रही है, तो 4 की तरफ सुई जाएगी, और आर एंड की बात कर रही हूँ, और 30 मिनट से ज़्यादा मिनट हो रही है तो 5 की तरफ सुई आएगी। अब यहाँ पे देखिए 45 हो रहा है तो 5 की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे 10 है तो 3 की तरफ ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे 40 है यानी कि 30 से ज़्यादा गया, यानी कि 6 7 के
पास वाली जगह, ठीक है, सिक्स से दूर होगा। नेक्स्ट 220, अब यहाँ पे देखिए 20 है, 30 से पहले है, यानी कि 2 के पास होगा, 20 से 30 के बाद होता तो 2 से दूर होती आर एंड, ठीक है, तो 2 के थोड़ी सी दूर आएगी 20 की लाइन, यानी कि आर एंड, और मिनट हैंड क्या है 20, यानी कि 5 4 जा, यानी कि 4 पे आएगी बिगेस्ट सुई। ओके, नेक्स्ट 3 o'clock होकर 15 minutes, अब क्या शो कर रहा है, मिनट हैंड किस पे है, सॉरी आर एंड किस पे है, 3 पे, 3 से थोड़ा सा आगे, ठीक है, एंड मिनट हैंड किस पे है, 15 minutes, यानी कि 5 3 15, बिगेस्ट सुई भी 3 पे ही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट 7 o'clock होके 35, अब देखिए 35 हो रहा है, यानी कि 7 से थोड़ा सा पास में, थोड़ा सा दूर होगा, हाफ से ऐसे ये होगा आपका 7 एंड 35 minutes, तो 5 7 35। ओके, नाउ द नेक्स्ट टेल द टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग क्लॉक्स, इन क्लॉक्स में से क्या टाइमिंग हो रहा है वो आपको बताना है। यहाँ पे क्या बज रहा है, 4 o'clock पे है आर एंड, तो 4, एंड मिनट हैंड किस पे है, 12 पे, यानी कि 0 0। नेक्स्ट बिगेस्ट स्मॉलेस्ट सुई, यानी कि आर एंड किसके बाद है, 6 के बाद है, 7 पे नहीं आई है, ओके, तो 7 नहीं लिखेंगे, 6 के पास है, मतलब 6 के बाद है, एंड 10 पे मिनट हैंड है, यानी कि 5 को 10 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 10 50, यानी कि 6 o'clock होके 50 minutes हो रही है। नेक्स्ट है मिनट हैंड किस पे है, सॉरी आर एंड किस पे है, 8 पे, एंड मिनट हैंड किस पे है, 12 पे, यानी कि 0 0, 8 o'clock हो रहा है। नेक्स्ट आर एंड जो है वो किसके बाद है, किसके आफ्टर है, 2 के आफ्टर, यानी कि 2, एंड मिनट हैंड किस पे है, 4 पे, तो 5 4 20। ओके, नेक्स्ट आर एंड जो है वो किसके बाद है, 5 के बाद है, किसके, तो हम लिखेंगे 5, एंड मिनट हैंड किस पे है, 5 पे, तो 5 5 25। ओके, यहाँ पे आर एंड किस पे है, 10 पे, मिनट हैंड किस पे है, 12 पे, यानी कि 0 0। नेक्स्ट आर एंड जो है वो किसके बाद है, 1 के बाद है, तो लिखेंगे 1, मिनट हैंड किस पे है, 6 पे, 5 6 30। ओके, नेक्स्ट आर एंड किसके बाद है, 3 और 4 के, 3 के, 4 से तो बिफोर है, 3 से आफ्टर है, तो 3 लिखेंगे, एंड मिनट हैंड 7 पे है, 5 7 35। नेक्स्ट आर एंड किसके बाद है, 2 के बाद, एंड मिनट हैंड किस पे है, 3 पे, तो 5 3 15। ओके, नेक्स्ट ये खुद से आपको होमवर्क में करने हैं, 10 11 12। ओके, अब आपको टाइम देखना आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम। ओके, स्टार्टिंग टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 o'clock हो रहा है, एंडिंग टाइम कितना हो रहा है, 9 o'clock 45 minutes, इट मीन्स कितना टाइम गया यहाँ से यहाँ तक में, सो 8 से 9 में कितना गया, 9 minus 1 8, एंड 0 to 45 कितना आएगा, 45 minus 0 45 minutes। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि पूरा कितना टाइम लिया गया, 8 o'clock से 9 9:45 हो रहे तब तक 1 घंटा 45 minutes गई है। नेक्स्ट में 11:10 हो रही है, अब एंडिंग टाइम है 12:55। ओके, सो कितना टाइम लिया गया यहाँ पे, सो 12 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 hour, एंड 55 में से 10 माइनस करेंगे तो 45 minutes। ओके, नेक्स्ट 13 से 14 गए, यानी कि 14 minus 13 कितना, 1 hour, एंड 25 minus 0 25 minutes, 1 hour and 25 minutes ली गई है। नेक्स्ट
15 o'clock 25 minutes हो रहे हैं एंड यहाँ पे टाइम टेकन लिया गया 6 hours 30 minutes. तो एंडिंग टाइम क्या होगा, राइट? सो 15 में प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 21 एंड 25 आवर्स शो कर रहे हैं, ठीक है? तो 30 यहाँ पे है, तो सो 30 प्लस 25 कितने होंगे, 55, यानी कि 21 clock 55 hours. ओके, 21 मीन्स क्या टाइम हो रहा है, 21 में से 12 माइनस कर देंगे तो क्या टाइम होएगा, 9. ओके, ये आपको बताया था ना रेलवे स्टेशन का जो स्टोरी आया था, कैसे टाइम देखते हैं, राइट? 24 o'clock वाली, 24 आवर्स वाली जो वॉच थी उसमें हमने ऐसा टाइम देखा था, राइट? नेक्स्ट 4 and 20 hours टाइमिंग टेकन लिया गया 8 hours and 35 minutes. ओके, सो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4, सॉरी यहाँ पे तो प्लस करना है, सो 8 plus 4 12 एंड मिनट में 35 plus 20 55. ओके, सो 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा एंड 55 में से 20 माइनस करोगे तो 35 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट आपको स्टार्टिंग टाइम बतानी है. अगर एंडिंग टाइम आपका 18 आवर्स है तो 7 आवर्स 40 मिनट्स पहले क्या टाइम हो रहा था. सो 18 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 11, ठीक है? एंड 40 में से 0 माइनस करोगे तो 40 आवर्स. यानी कि ये वाला कॉलम अगर आपको दिया गया है ब्लैंक तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे. ये और ये ब्लैंक दिया गया है तो आपको माइनस करना है. नेक्स्ट 20 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16, ठीक है? एंड 15 में से 5 तो 10 आवर्स. ओके, मैंने जैसे बताया आपको ये वाला कॉलम दिया गया है ब्लैंक तो इन दोनों को प्लस करना है, ये दोनों ब्लैंक दिए गए हैं तो माइनस करना है. 6 o'clock हो गए, 25 मिनट्स हो रही है एंड यहाँ पे 6 hours and 25 minutes ही बताना है. यानी कि सेम टू सेम है तो 6 plus 6 12 एंड 25 plus 25 50 hours. ओके, नेक्स्ट 23, ये वाला कॉलम दिया गया यानी कि माइनस करना है. 23 minus 3 20 एंड 5 minutes. 5 and 10 10 minus 5 5 0 5 hours. ओके, सो यहाँ पे ये टेबल फिनिश होता है. नेक्स्ट आपको दिए गए हैं एडिशन करने हैं. ओके, आर्स दिए गए हैं तो ये सिंपल एडिशन करना है. 6 3 plus 6 9 and 1 कितना हो रहा है, 19 आवर्स. 24 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. ओके, 7 plus 4 11 1 carry 1 plus 1 2 कितने आ रहे हैं, 21 आवर्स. दिस 14 8 plus 6 14 plus 1 1 plus 1 2 24 hours. ओके, नेक्स्ट 0 and 40 minutes. यहाँ पे कितने मिनट्स आ रहे हैं, 40 मिनट्स. ओके, नेक्स्ट 5 2 plus 2 4 45 minutes. नेक्स्ट ये आपको खुद से करने हैं, होमवर्क है ये आपका. 6 7 and 8 नेक्स्ट एडिशन, 3 minus 1 2 1 minus 1 0 इट मीन्स 2 hours. 6 minus 2 4 1 minus 1 0 0 hour. नेक्स्ट 8 minus 8 0 and 1 minus 0 1 10 hours.
ये वाला आपको होमवर्क में करना है. नेक्स्ट मिनट्स, 0 + 5 = 5, 3 + 2 = 5, 9 + 7 + 9 = 16, 16 hours 55 minutes. नेक्स्ट 5 + 2 = 1 + 5 = 6, 1 = 1, 16 hours 25 minutes. नेक्स्ट 0 + 5 = 5, 3 + 1 = 4, 9 + 6 = 15. बाकी के टू आपको एक कैरी वाला है ये बता देती हूँ. 0 + 0 = 0, 3 + 2 = 5, 2 + 9 = 11, 1 carry 1 + 1 = 21 hours and 50 minutes. ओके, दिस वन इज इन होमवर्क. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, 0 - 0 = 0, 2 - 1 = 1, 8 - 5 = 3, 3 hours and 55, sorry 10 minutes. 0 - 0 = 0, 5 - 4 = 1, 8 - 9, तो यहाँ पे क्या होगा 18, यहाँ पे क्या होगा 0, तो 18 - 9 = 9. नेक्स्ट 5 - 5 = 0, 4 - 2 = 2, 2 - 7 = 12, यहाँ पे जाएगा 0, कितना आएगा यहाँ पे 5 hours and 20 minutes. बाकी के सम आपको होमवर्क में करने हैं. ओके, नेक्स्ट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितने मिनट लगे हैं. ओके, सो 8 से कहाँ पे पहुँची है, 12 पे, सो 8 पे 9 पे आएगी तो 5 मिनट्स, 9 to 10 5, 10 to 11 5, 11 to 12 5, यानी कि 5 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स, 5 × 4 = 20, कितने मिनट्स लगी हैं, 20 मिनट्स. नेक्स्ट में 2 से 9 तक गई है. ओके, 2 से 9 तक गई है तो मेंशन करेंगे 5 मिनट एंड 5 to 6 में जाएगा तो कितने, एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाएगा तो कितने मिनट होंगी, 5 मिनट्स. कहाँ पे पहुँचाना है हमें, 5 पे. अभी 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7, 5 7 = 35, कितने मिनट्स हुई है यहाँ पे, 35 मिनट्स. नेक्स्ट कहाँ से 7 to 10 गई है तो 7 to 8 5, 8 to 9 5, 9 to 10 5, 5 कितने टाइम्स गए हैं, 3 times, 5 times = 15 minutes. ओके, नेक्स्ट 1 से कहाँ गई है, 3 पे, तो 1 से पहले 2, 5, 2 से 3, 5, 5 times = 10 minutes. ओके, ऐसे ही आपको बाकी के क्लॉक का शो करना है. ओके, इजी है ना, सो 10 तक आपको ऐसे ही होमवर्क में करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मार्क द पेजेस ऑफ डायरी इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन द टाइमलाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, तो सबसे पहले ये बॉर्न हुई थी मुन्नी 5 March 2005 में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 March 2015 वॉज बॉर्न. ओके, नेक्स्ट क्या हुई थी, 20 November को मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, अप्रैल, तो अप्रैल है कहीं, नहीं, मई नहीं है, जून नहीं है, जुलाई नहीं है, अगस्त नहीं है, सितंबर, यस सितंबर है, लेकिन सितंबर 2 times है, 2005 का सितंबर है, 2005 का यहाँ पे 15 सितंबर, यहाँ पे 5 सितंबर, तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 सितंबर. ओके, वन छोड़ के वन हम यहाँ पे लिखेंगे. ओके, यहाँ पे हम लगाएंगे 5 सितंबर, सितंबर कौन सा मंथ होता है, 9th. ओके, 2005 क्या था, 8 बनाना, तो हम लिखेंगे 8 बनाना. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्या है, सितंबर में क्या किया था, गॉट हर फर्स्ट टूथ, तो यानी कि गॉट हर फर्स्ट टूथ. ओके, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में भी देखिए 2005 2005 2 times दिया गया, तो पहले कौन सी डेट आती है, 10 या 20, 10,
तो क्या लिखेंगे, 10 नवंबर, ओके, 11 2005, क्या आया था, सेटअप, यानी कि बैठी थी, सेट अप, ओके। नेक्स्ट 20 नवंबर 2005 में क्या किया था, स्टार्टेड क्रॉलिंग, क्रॉलिंग करना स्टार्ट किया था, तो लिखेंगे क्रॉलिंग, ओके। नेक्स्ट सितंबर के बाद में क्या दिया गया है, जनवरी 2006, तो जनवरी में उसने क्या किया था, 5 जनवरी 2006 में स्टूड अप, खड़ी होने सीखी थी। नेक्स्ट फेब में स्टार्टेड वॉकिंग करना सीखी थी, ओके। नाउ टेबल हमने टेबल टैग कर लिए हैं, लेबल टैग कर लिए हैं, एंड अब हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर, मार्च टू सेप्टेम्बर तक जाने के लिए कितने मंथ्स लगे, मार्च से सेप्टेम्बर, यानी कि यहाँ पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, नहीं यहाँ पे, तो 3 से 9, 9 माइनस 3 6 मंथ लगे, ओके, 6 मंथ। नेक्स्ट हाउ ओल्ड वॉज मुन्नी वेन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, तो फर्स्ट टूथ कब मिला था इसको, यहाँ पे मिला था, तो वो कितने मंथ की हो गई, तो देखते हैं, तो यहाँ पे कितने मंथ की हो जाती है, वो 6 मंथ की, यहाँ पे उसका फर्स्ट मंथ चल रहा है, तो यहाँ पे ये 9th मंथ में आएगी, तो 9th माइनस 3 करेंगे तो कितने मंथ की होगी मुन्नी, 6 मंथ की होगी, ओके। नेक्स्ट हाउ ओल्ड वॉज मुन्नी वेन शी फर्स्ट सेटअप, जब उठी थी, बैठी थी, बैठना सीखी थी, तब वो कितने मंथ की थी, तो यहाँ पे वो 6 मंथ की है, तो 11th में 9th मंथ में वो 6 मंथ की है, तो 11th मंथ में वो कितने मंथ की होगी, प्लस 2 ऐड कर दो तो 8 मंथ की, ओके। व्हाट डिड मुन्नी डू फर्स्ट, मुन्नी ने सबसे पहले क्या करना सीखा था, वॉकिंग, नहीं, ईटिंग अ बनाना या क्रॉलिंग स्टैंडिंग, क्रॉलिंग एंड स्टैंडिंग, ठीक है, तो क्या पहले सीखा था, वॉकिंग और ईटिंग में से क्या सीखा था, ईटिंग अ बनाना, सो हम यहाँ पे लिखेंगे ईटिंग, एंड क्रॉलिंग स्टैंडिंग में से क्रॉलिंग, ओके। नेक्स्ट हाउ मच टाइम हैव पास फ्रॉम मुन्नीज बर्थ टू वॉकिंग, यानी कि जब बॉर्न हुआ तब से लेके वॉकिंग तक कितना टाइम स्पेंड हुआ, कितना टाइम लगा, तो देखते हैं, 1 ईयर में देखो, थर्ड है, थर्ड तक पहुंचने के लिए 1 ईयर लगता है, ये कितना मंथ है, 2 है, ठीक है, 3 से 1 कम, राइट, तो 1 ईयर में 1 मंथ कम, इट मीन्स 11 मंथ, ओके। 1 ईयर में 3 से 3 तक पहुंचते हैं तभी 1 ईयर होता है ना, जैसे कि आपका बर्थडे आता है तो नेक्स्ट आपका बर्थडे आ गया तभी आप 1 ईयर भरोगे, तो यहाँ पे वो बर्थडे आने में कितना बाकी है, 1 मंथ बाकी है, यानी कि वो 11 मंथ की है। आज हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके, थैंक यू।